नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है कि आप खुद ही देख लीजिए, आज मुद्दे की बात करने की मेरे को मन नहीं है, मन आज बहुत उदास है, लेकिन ये खुलासा कर रहा हूं ईडी और प्रैक्टिकल के नंबर को लेकर के। हम कहते हैं, हम दोष देते रहते हैं कि डीजीटी की दोष है, कभी स्टेट का दोष देते रहते हैं, कभी नोडल का दोष देते रहते हैं, और हम ये लड़ाई लड़े भी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पाक साफ है, ये भी दोषी हैं, निश्चित दोषी हैं, साथ में डीजीटी भी दोषी है, स्टेट भी है, नोडल भी है। लेकिन एक चीज बताइए कि जिसके यहां छात्र पढ़ रहा है, फीस दे रहा है और 2019 का लड़का है, अगर उस आईटीआई का संचालक उस लड़के की जो एग्जाम हुई हो, जहां सेल्फ सेंटर था, कॉपी न जमा किया हो, तब आप क्या कहेंगे? सोचिएगा साहब, नींद नहीं आएगी। आप सोचिए, ये एक लड़का नहीं है, 12 से 13 14 लड़के हैं, और 14 लड़कों की जिंदगी एक झटके में प्राइवेट आईटीआई वाले ने बर्बाद कर दिया। सोचिए, अगर ये आज पास हो गए होते, इनका नंबर चढ़ गया होता, तो फिर क्या करते? कुछ ना कुछ तो जॉब कर लेते ना, कुछ नौकरी कर लेते, कुछ चांस मिलता ना। अब ये डेंजर जोन पे चले गए। अब क्या दे रहे हैं कि अगली बार दीजिएगा? क्या अगली बार एग्जाम होने की गारंटी दे सकता है वो? अगली बार क्या ये गारंटी आप दे सकते हैं? उनकी कॉपी जमा करोगे आप? जब आपको इस बार गलती हो गई है, तो अगली बार नोडल नंबर चढ़ाएगा, स्टेट नंबर चढ़ाएगा, डीजीटी नंबर चढ़ाएगी कि नहीं चढ़ाएगी? क्या हमेशा ईडी प्रैक्टिकल का यही चलता रहेगा? ईडी को समाप्त कर दिया गया है, कहीं ना कहीं पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी। बार बार आप सोच रहे हो कि डीजीटी जो है तो ईडी के लिए टाइम देती रहेगी, लड़के फेल होते रहेंगे, उनको पेपर करवाती रहेगी, उनका नंबर चढ़वाती रहेगी। नहीं नहीं नहीं, कहीं ना कहीं पे रोक लगेगी। कोई ना कोई लड़का इसमें जो है तो बलिदान होगा, शिकार होगा, किसी ना किसी को आहुति देनी पड़ेगी। आप समझ नहीं रहे हैं। आपको लगता है मैं जब ऐसे शो दिखाता हूं, इस तरह के खुलासा करता हूं, तो लोग कहते हैं कि वीरेश सिंह डराते हैं। सो मत देखिए, क्या डरा रहा हूं मैं, असलियत दिखा रहा हूं, तो आपको डर लग रहा है भाई साहब? क्या ये चीज हमको, देखिए मैं आज खुलासा कर रहा हूं, आगे देखिए आप और हमको आप बताइए कि अगर आपके बच्चे के साथ में ये होता तो आप क्या करते? आप जानते हो ना ये आईटीआई के बच्चे कौन है, कहां से आते हैं, किस लेवल के आदमी हैं? क्या ये बड़े घर के लड़के हैं जो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, वो आईटीआई करने आता है, वो सोचता है कि चलिए मैं आईटीआई कर लूं। ये गरीब किसान के बच्चे हैं और इनके साथ ये धोखा होता है। आप कहते हो कि डीजीटी से लड़ो, स्टेट से लड़ो, नोडल से लड़ो। लड़ ही तो रहा हूं, टाइम दिया गया है मेरे को, जब तक टाइम देते हैं मैं नहीं दिखाता हूं शो। अगर मैं चाहूं तो रोज ये शो दिखाऊं और रोज टॉप पे रहूं। मेरे पास इतनी स्टोरी है, इतनी रिकॉर्डिंग है कि मैं अगर पर डे दो वीडियो बनाऊं तो पूरे साल भर स्टोरी दिखा सकता हूं मैं। लेकिन मैं किसी की मजबूरी पे पैसा कमा करके अपने घर के बच्चों का पेट नहीं पाल सकता हूं। ये मेरे और ना मेरे पिताजी ने सिखाया है, और ना मैं जानता हूं, और ना ये मेरे बच्चे भी जो है ना वो भी ये नहीं स्वीकारते हैं। कहते हैं कि ईमानदारी से शो चलाइए, ईमानदारी से शो दिखाइए, लेकिन ये दिखाना पड़ता है हमको। क्या मैं कभी किसी आईटीआई का नाम लिया? क्या मैं कभी किसी स्टूडेंट का नाम लिया? मैं सिर्फ इसलिए दिखाता हूं कि आप अवेयरनेस हो जाइए, आप सुधर जाइए। लेकिन ये तो अति हो गई भाई साहब। सुन लीजिए, पहले लड़के की बात सुनिए, इसके बाद मैं सेंटर वाले का सुनाता हूं, इसके बाद मैंने नोडल के अधिकारी से बात किया। तीनों को सुनिए, फैसला करिए आप। चलिए सबसे पहले स्टूडेंट की सुन लेते हैं। कब गए थे नोडल तुम? नोडल में मैंने यानी ग्रीवेंस लगाया, उसके बाद में वही उन्होंने बताया कि आपकी कॉपी जमा ही नहीं है। तुमने ग्रीवेंस लगाया था? जी, और रिजेक्ट हो गया था ग्रीवेंस। तो रिजेक्ट हुआ तो फिर कहाँ गए तुम? मैं नोडल गया सर, आगरा। हाँ, तो वहाँ क्या बोले? वहाँ बोले कि आपकी कॉपियाँ है ही नहीं है।
जमा ही नहीं की है। किसकी, ईडी की कि प्रैक्टिकल की? ईडी की सर। तो ईडी का पेपर कहाँ हुआ था? कॉलेज में। तुम्हारे कॉलेज में? जी। अरे फिर कॉलेज वालों ने कॉपी जमा ही नहीं। तो कितने लड़कों की नहीं किया? सर करीब 8 से 10 लड़कों ने पेपर दिए थे मेरे सर। 10 लड़कों ने? जी। हे भगवान, किस ईयर के लड़के हो? सेकंड ईयर के हैं सर, 2019 का बैच है। यार क्या बताऊं यार, कितना समझाऊं यार, अखर जाता है। ये कौन सी, ये आईटीआई वाले का नंबर मेरे को भेजना तो मैं बात तो करूं। तो आईटीआई गए नहीं तुम? सर मैं आईटी कल जाऊंगा, मैं फोन ही नहीं उठा रहा 2 दिन से, मैं लगातार कॉल कर रहा हूं। और इसके पहले? इसके पहले सर मुझे कल ही पता चला है कि कॉपियां इन्होंने जमा ही नहीं की है। तो 8-10 लड़के ये थे, इनके किसी की भी नहीं जमा किए? नहीं किए सर। तो कुछ कारण रहा होगा, फीस नहीं है, क्या है, कैसे कुछ नहीं, कुछ सर, फीस तो मेरी जमा है। हाँ? फीस तो मेरी जमा है। हाँ? फिर भी कॉपियां जमा नहीं की उन्होंने। आईटीआई नोडल की मैंने आईटीआई नोडल से बात की, वहाँ एक सर है उनसे मैंने बात की। हाँ? तो उन्होंने बताया कि हमारी कॉपियां जमा नहीं है बेटा, नहीं तो मैं काम तो हो जाता आपका। अच्छा, तुम आईटीआई वाले का नंबर देना मेरे को और नाम देना कौन सी आईटीआई है, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? आपको लगता होगा कि सिर्फ स्टूडेंट की वीरेश सिंह सुनते हैं, है ना? मैं कभी आईटीआई वाले का या नोडल का रिकॉर्डिंग नहीं सुनाया था और ना सुनाता हूँ मैं, है ना, जब तक मैं तह पे नहीं आता हूँ। सुन लीजिए ये आईटीआई वाला क्या कह रहा है, सुनिए आप। हेलो, प्रमोद रावत जी बोल रहे हो? हाँ जी। मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ आईटीआई टास्क से। जी सर, आईटीआई टास्क से मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ। सर बोलिए सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार, ये बताओ कि आपके यहाँ के लड़कों ने शिकायत किया कि आपकी कॉपी नहीं जमा है लड़कों की? नहीं सर, कॉपियाँ तो सबकी जमा है, जो उसमें है, जो मानक में आते हैं, जो नहीं आते उनकी नहीं जमा होगी। माने मानक में नहीं आते मतलब नहीं जमा होती, नहीं समझे हम? मतलब जैसे किसी बच्चे का लेट संपर्क हुआ, फीस की डेट पहले थी, वो निकल चुकी है, तो उनकी कॉपी उन्होंने जमा नहीं करी। किन्नों ने नहीं जमा करी, नोडल वालों ने? हाँ नोडल वालों ने। नोडल वालों से बात हुई, उन्होंने बोला, अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि इन लड़कों की जो है तो कॉपी नहीं जमा हुई है। नहीं सर, मैं तो कॉपियां लेके सबकी गया था, उन्होंने ये बोला था कि ये कॉपियां किसी और ने दी थी, मेरे के टीचर एक दूसरे कॉलेज वाले थे वो लेके चले गए थे, तो ये कॉपियां पिछले साल की हैं, तो हमारी कॉपियां जमा ही नहीं करी थी उन्होंने। पिछली साल की हैं कॉपियां, मैं नहीं समझा यार। मतलब ऐसा, हमें कॉपियां मिली थी गवर्नमेंट आईटीआई से। हाँ ठीक है। हमने बच्चों को पेपर कराया, 13-14 बच्चे थे, ज्यादा सर बच्चे भी नहीं थे। हाँ हाँ, 13-14 बच्चों की बात हो रही है। हाँ, तो उन कॉपियों को मैं जमा करने गया तो वो वहाँ पे ली नहीं गई। नोडल वालों ने नहीं लिया? नोडल वालों ने नहीं ली। क्यों नहीं लिया? ये कह रहे थे कि ये कॉपियां तुम्हारी हमसे नहीं गई है। क्या तुमसे? हाँ, पिछली साल की कॉपी है, पिछली साल की मोहर लग रही है इन पे। हाँ, और मुझे वहां से मिल गई थी, मिलने की पेपर करा दिया। तो कॉपी तो उन्होंने ही दी है ना? उन्होंने ही दी थी और क्या। तो फिर वो थोड़ी बनेंगी। हाँ तो फिर ये कैसे कहने लगे वो? नोडल वालों ने जमा नहीं करी थी सर। तो फिर आपने रात के 12-1 बजे तक घूमता रहा उनके यहाँ पे। तो फिर आप इसकी शिकायत और कहीं पे किए कि नहीं किए? सर शिकायत क्या, वो तो उन्होंने ये कह दिया अगली बार जब मौका आएगा तब कराना, अब तो नहीं होगा। अरे यार, एग्जाम लड़के की क्या गलती है, लड़के ने एग्जाम दिया है, बताओ आप, लड़के की क्या गलती, लड़के ने एग्जाम दिया है, कॉपी कैसे नोडल नहीं जमा कर रहा है भाई? सर इससे पहले भी एग्जाम दिया था बच्चे ने। हाँ? तो उसमें भी बच्चे की एब्सेंट आ गई थी। कैसे एब्सेंट आ गई थी? अब सर मैं यहाँ एक प्रोग्राम में रहा नहीं, तो आपको मैं भेजूंगा उनके बच्चे की सारी फॉर्मेलिटी। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ठीक है सर, भेज दूंगा। हाँ ठीक है। शुभ नाम क्या है सर आपका? वीरेश सिंह, आईटीआई टास्क। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ आगरा का आपका अटैचमेंट है, क्या सिस्टम है सर? सब कुछ है, मैं यूट्यूब पे जाइएगा, आईटीआई टास्क लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ।
जी सर जी। हाँ ठीक, जेडी साहब आएंगे सर? अरे आप पता चल जाएगा, आप ITI टाक शो लिखिएगा यूट्यूब में, ITI टाक शो, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। ऐसा कीजिएगा हुजूर, हाँ भेजो आप। अब नोडल के अधिकारी का सुन लीजिए, मैंने उनको फोन लगाया, मैं बोलता हूँ ना, सबूत देता हूँ, सुन लीजिए। हेलो देवी सहाय जी। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ ITI टॉक शो से, ये ITI के लिए हिंदी न्यूज चैनल है सर। एक GD प्राइवेट ITI से करीबन 10-15 लड़कों ने शिकायत किया है कि उनकी कॉपी नहीं जमा हुई है, तो मैंने जी जी सेल सेंटर पे सर जी परीक्षा के सेल सेंटर होते हैं जी 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 प्रैक्टिकल और जी जी और सेल सेंटर मतलब प्रबंधक प्रधानाचार वो परीक्षा कराता है, संबंधित जो ITI होती है जी 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 सर। उसके बाद हमारे यहाँ कंट्रोल रूम होता है, उसमें जमा करते हैं कॉपी जी, तो कंट्रोल रूम में ही कॉपी नहीं आएगी आपको बताया, तो उसके बाद साथ ही चले जाएंगे जी। इसका दोषी तो वो ITI वाला ही है, वो लड़का को मैंने बताया भी अगर कॉपी की रिसीविंग है तो हमें रिसीविंग बता दी, क्या उसका कार्रवाई की जाए नहीं नहीं सर। देवी जी मैं एक चीज बताऊं कि मैंने अभी वहां के जो एक अधिकारी हैं उनसे बात किया ITI की, उससे तो वो क्या बोल रहे हैं कि सर मैं 12 बजे रात तक घूमता रहा, मेरी कॉपी जो है तो नहीं जमा की गई। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं वही जानना चाहता हूँ कि अगर परीक्षा हुई है तो कॉपी तो अधिकार है, और ये परीक्षा ऑल इंडिया लेवल की होती है आपको जी 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 पता है, किसी भी स्टेट की नहीं आपको होता जी। इसका पेपर NCVT का होता, पूरा भारत का एक ही सिलेबस है, एक ही पेपर है, एक ही समय होता है जी जी जी। और इसमें ये भी हिदायत दी जाती है कि यदि आप किसी कारणवश काम फंस गया सही बात है। ये तो वो बहाने बना रहा देखो सर। लड़का ये कह रहा है मैंने कॉपी पेपर दिया है, तो पेपर दिया है तो लड़का की भाई लड़के की तो गलती नहीं है बेचारे की, भाई एक लड़का नहीं सर 14-15 लड़के हैं, ये तो गलती तो ITI वाले के सर। तो मैंने यही कहा कि यार इसकी रिसीविंग दो हमें, और CD-VD जो हमने आदेश किए थे पूर्व में वो दो हमें, क्या क्या आपने जमा किया है, और ऐसा कोई ITI वाला नहीं जिसको कोई भी आप जाएंगे कहीं भी सामान लेके तो आपको बिना रिसीविंग करके आप है क्या होंगे साहब, आप इसे पूछता हूँ। नहीं वो तो रिसीविंग देनी पड़ती है, सही बात है, सरकारी अभिलेख है, इसको नहीं फेंक सकते आप बिना रिसीविंग, तो कोई दे ही नहीं सकता बिना रिसीविंग को, सही बात है सही बात है। उसको दिखाया तो अपना अभिलेख। अब उससे मैंने बात किया तो वो कहने लगा कि हमको हम कॉपी जमा करने गए तो अकेले का बहाना बता रहा था वो, मैं आपको बताऊं। हाँ कि वो पुरानी कॉपी है, मैं कैसे जमा करूं। अरे भैया कॉपी ली क्यों थी देने? हाँ कॉपी नहीं मिल रही थी तो क्यों ली थी आपने? सही बात है, आपको उस समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना जी 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 जी, आपको तो आप ITI वाले हो, आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि आप हमको पुरानी कॉपी ली। सही बात है, सही बात है भाई, उस कॉपी दी थे क्लिनिक को जमा कराते, अपनी अपनी समस्या को रखते है। सही बात है, अभी मैं अपनी समस्या ही नहीं रखी है तो ऐसा थोड़ी है मन घर से कहानी बना लेंगे खुद की, और सारा दोष नोडल पे आ गया। नहीं नहीं सर, नोडल तो जब दोषी है ना सर, कॉपी नहीं है तो हम नंबर किस पर दे, सही बात, इसको लिस्ट दे दी होगी यार, नोडल स्तर पर तो सारे चढ़े हैं। फिर मैंने उसे ITI वाले का नंबर लिया पोर्टल से, फिर मैंने इसको लाइन पे लिया लड़के को, वो बैठा मुझे रिसीविंग चाहिए कॉपियों की, 500 कागज होते हैं रिसीविंग के समय, उत्तर पुस्तिका प्रेषण, संपत्ति की CD, उत्तर पुस्तिका जमा की और अटेंडेंस की, ये मुझे चाहिए, इसके फोटो को भी देखो दो, जिससे इस पर कार्रवाई की जाए, लड़का परेशान है। सही बात है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, फिर फोन ही बंद कर दिया उसने ठिकाना। चलिए सर ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। क्या प्राइवेट ITI वाले को ये हक है कि उसके यहाँ जो लड़के पढ़ रहे हैं ITI वाला सर्विस प्रोवाइडर है, फीस लेता है, क्या वो किसी लड़के के साथ में ऐसा कर सकता है? आप कहोगे भाई साहब कि नहीं, ये तो सर जो है तो गिनती के कुछ लोग होंगे, एक दो लोग होंगे कि नहीं, मैं ये उत्तर प्रदेश का दिखाया, महाराष्ट्र का
आंध्र का, कर्नाटका का मैं दिखा चुका हूं और बता चुका हूं आपको। बिहार की कहानी तो सुनोगे ना तो नोडल ने ही कॉपी गायब कर दिया लड़के की, सोचिए कॉपी गायब कर दिया। अभी मैं उस पर तहकीकात पे लगा हुआ, सोचिए क्या किया जाए, क्या दिखाया जाए, क्या ना दिखाया जाए। आपको लगता है इस जब शो पे बैठता हूं ना तो आत्मा फट जाती है कि क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं। आपको लगता है कि ये शो 2 मिनट में बन गया है, ये शो बनने के लिए ना 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं, तब आपको मैं 15 से 25 मिनट का न्यूज दिखा पाता हूं। भाई साहब ऐसे नहीं होता है, पूरा दिन पूरी रात लगा देता हूं मैं, एक एक पॉइंट पे मैं खुद रिसर्च करता हूं, खुद सर्च करता हूं, तब मैं आपको शो दिखाता हूं। समझ में नहीं आता है। अब कहिए यार, डीजीटी की बुराई करें, स्टेट की करें, नोडल की करें, आईटीआई की करें, स्टूडेंट की करें। मैंने बोला है आपको कि अगर स्टूडेंट गलत है तो मैं बोलता हूं कि मेरे को उस फर्जी स्टूडेंट को नहीं चाहिए जो आईटीआई में फीस नहीं देते हैं, जो नकल करके पास होने के लिए गारंटी पे आए। मैं उस स्टूडेंट की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, मैं उस आईटीआई की सपोर्ट नहीं करता जो आईटीआई इस तरह के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, मैं नोडल का वो सपोर्ट नहीं करता जो कापियां गायब कर देते हैं, मैं स्टेट को सपोर्ट नहीं करता हूं जो स्टेट जो है तो नंबर वेरीफाई नहीं करता, कोई कार्रवाई नहीं करता, मैं डीजीटी को सपोर्ट नहीं करता हूं जब डीजीटी नंबर को जो है तो अपडेट नहीं करता। आपको लगता है कि डीजीटी अपडेट क्यों नहीं कर रहा है? डीजीटी अभी जो आप बोल रहे हो सबको मैंने नंबर दिया, इतनी शिकायतें गई वहां, ये आ रहा है कि हम 31 तारीख तक में रिजल्ट अपडेट करेंगे। अब बताइए अब डीजीटी रुके कि ये 14 लड़कों का क्यों नहीं आया? ऐसे करके सोचिए वो कितने लड़कों के रिजल्ट के लिए वेट करता है, कितने वेट करते होंगे वो। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि 31 तारीख नहीं, मैं तो 5 मई तक लेकर के जा रहा हूं कि 5 मई तक रुकिए आप, नहीं होगा मैं आवाज उठाऊंगा। लेकिन अब सोचिए इसका कैसे होगा, इसका कौन सा डीजीटी होगा? और आपको लगता है कि मैं उठा दूं आपका काम हो जाए, बाकी ये बच्चे, ये 14 बच्चे, ये किसी मां बाप के बच्चे नहीं है क्या? ये अनाथ के बच्चे हैं? आप हमारे ऊपर तो उंगली उठा सकते हो कि डराते हैं। अब आप बताइए ना कि क्या मैं शो में ये सब दिखाना बंद कर दूं? मैंने इसीलिए मेरा शो नीचे जा रहा, तो मैं इसीलिए एडमिशन वाला दिखाया हूं कि ताकि लड़के जागे और लड़के इस तरह की गलती ना करें, ऐसे झोला छाप आईटीआई में एडमिशन ना ले, अपनी जिंदगी ना बर्बाद करें। इसलिए मैं अवेयरनेस का प्रोग्राम ये चला रहा हूं। मेरे को 35 स्टेट का बनाना है, मतलब माने 70 के जो हैं हमको 35 बनाने हैं, और 70 बनेंगे लगभग, 35 के 70 77 के लगभग बनेंगे, सबके अलग अलग बनेंगे। सोचिए आप, हमको लगता है कि हम मई तक में पूरी चीजें दिखा पाए एडमिशन वाला। आपको लगता है कि सर सो ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता, तरह तरह की बातें आप करते हो, मैं देखता हूं। मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे रहा हूं, क्यों नहीं दे रहा हूं? चूंकि डीजीटी देख रही है, मैं ही जवाब देने लगूंगा तो समझिए फिर आपके पास नहीं आएगी चीजें। आपको लगता है इस बार सबसे ज्यादा आरटीआई लगी है, लड़के नोडल नहीं जानते थे, लड़के स्टेट डायरेक्टर को नहीं जानते थे, जब से ये शो आया तो लड़कों ने नोडल जानने लगे। लड़के को देखिए हिम्मत किया, मैंने बोला हिम्मत किया, नोडल गया, नोडल के अधिकारी से मिला, नोडल के अधिकारी ने पहले घुमाया, इसके बाद उसको बताया, वो आईटीआई आया, आईटीआई वाले ने उसको घुमाया। जब वो मेरे से बात किया मैंने कहा कि रुक जा, मैंने फोन लिया, मैंने दोनों से बात किया, और मैं अब उस लड़के से कह रहा हूं कि FIR करो, DM के यहां शिकायत करो, लेकिन सबसे पहले आज शो देख रहे हो, आज ही आईटीआई नहीं नोडल जाओ और एक लिखित में उसको दो, और नोडल का वो आदमी जो है तो अधिकारी जिससे मैंने बात किया है वो कार्रवाई करेगा, स्टेट ले जाएगा। हो जाने दीजिए डीएफिलेशन, लेकिन क्या डीएफिलेशन हो जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या इन बच्चों की जो जिंदगी बर्बाद हुई है वो रिवर्स हो सकती है, वो आ सकती है? मैं बार बार आईटीआई वालों से बोला कि सुन लीजिए, पिछले बार एडमिशन आपका क्यों कम हुआ है? इसलिए कम हुआ है कि आपने लड़कों का साथ नहीं दिया था। मैं मार्च से शो चालू कर दिया था,
ईमानदारी से, वैसे तुम्हारा नवंबर से चालू हो गया था लेकिन मार्च से ईमानदारी से चालू कर दिया था। लड़के सो देखने लगे थे और लड़के जान रहे थे कितना बड़ा असर हुआ है। कहीं इस बार जो असर होगा ना तो आप सोच नहीं पा रहे, इसीलिए मैं अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहा हूं और पहले से ही बता रहा हूं। लेकिन सोचिएगा जनाब, जो मेरे ऊपर उंगली उठाते हो तो सोचिएगा कि इन जैसे लड़कों का क्या होगा, क्या भविष्य होगा। और वैसे एक कहानी नहीं है कि एक लड़के की कहानी है, ये कितने लड़कों की कहानी है। कर्नाटका में तो 30-35 लड़कों को एग्जाम ही नहीं करवाया गया, महाराष्ट्र में कई लड़कों का जो है तो प्रैक्टिकल नहीं करवाया गया, उड़ीसा में कई लड़कों को प्रैक्टिकल ही नहीं करवाया गया। आप झारखंड और उत्तर प्रदेश और राजस्थान और बिहार मध्य प्रदेश की कहानी छोड़ दीजिए, यहां तो जो भी कुछ हुआ है तो माशाअल्लाह हुआ है। यहां तो हर आईटीआई में एक दो लड़का ऐसे फंसा हुआ है, हजारों लड़के अभी फंसे हुए हैं। सोचिएगा आप कि मैं क्या बोल रहा हूं और आप क्या समझ रहे हो, क्या नहीं समझ रहे हो। आपको दर्द नहीं होता है, मेरे को दर्द होता है। समझिएगा कि क्या कह रहा हूं, क्या नहीं कह रहा हूं। मेरी भी बहुत इच्छा होती है शायद कि एक दिन ब्रेक ले लूं, मेरे भी बहुत पर्सनल काम होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं लेता हूं। मैं दिखाता हूं, हर एक आईटीआई वाले को लग रहा है कि ये शो क्या है एडमिशन का, आप नहीं समझ रहे हो। ये मैं जो शो दिखा रहा हूं आपके एडमिशन के लिए दिखा रहा हूं, अच्छे आईटीआई के लिए, लेकिन फर्जी आईटीआई के लिए मैं दिखा रहा हूं कि उनको यहां एडमिशन ना ले। बिना पैसे का कार्यक्रम चला रहा हूं, आपका ऐड कर रहा हूं मैं, सोचिए आप। इसलिए कि अपने देश के बच्चे स्किल हों, आगे बढ़े। और आप लोग, मैं सुनता रहता हूं, अरे सर आप तो डरा देते हो सर, धमका देते हो सर, आपके शो देखने की इच्छा नहीं होती। मैंने बोला मैं ये शो सिर्फ 100 लोगों के लिए बनाता हूं, और अब मैं ये शो जो लड़के नए आ रहे हैं उनके लिए बना रहा हूं। लेकिन ये लड़ाई है, इस गंदगी को दूर करना पड़ेगा, और ये इसलिए शो दिखाया हूं। अभी आईटीआई वाले का नाम मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं इस पे जरूर कार्रवाई करूंगा। और इस पे मैं जो है तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये शो अब डीजीटी तक सीमित नहीं है। आप लिख के ले लीजिएगा, ये डीजीटी के साथ में रोज पीएमओ और नीति आयोग, सबसे पहले वीडियो वहां जाता है, इसके बाद आपके पास आता है। आप लिख के ले लीजिएगा, मैं अब नाम सहित उजागर करने लगूंगा, क्योंकि पानी जो है ना सर से ऊपर चला गया। क्या समझते हो यार आप लोग स्टूडेंट को, कीड़े मकोड़े समझते हो, इतने नीचे गिर जाओगे पैसे के लिए। आप सोचिए कि वो लड़का फोन कर रहा है, आईटीआई जा रहा है, तो उसका फोन बंद कर लिया आईटीआई वाले ने, उसका साथ नहीं दे रहा है। भैया कापी बोल रहा है कि कापी नहीं जमा करवाए, सोचिए आप, ऐसा कभी हो सकता है? और अगर वो पुरानी कापी दे रहा था तो उस समय पर आपको जेडी को वहां ज्वाइंट डायरेक्टर अधिकारी होते हैं या और अधिकारी होते हैं, तो उस समय पर भैया तेरा दिमाग कहां चला गया था? तुमको बोलना था ना कि सर पुरानी कापी क्यों, नई कापी क्यों नहीं? तू आईटीआई चला रहा है बाबा कि क्या चला रहा है, कौन सी चीज चला रहा है तू? और जब तेरे को यह नहीं पता है कि पुरानी कापी और नई कापी क्या है, 12 बजे रात तक तू कह रहा है कि हम भटक रहे हैं। एक रूल और है कि अगर उस दिन कापी नहीं जमा कर पाए तो दूसरे दिन अगर कोई ऐसा कारण आया आपत्ति, तो दूसरे दिन आप 10-11 बजे के पहले जमा कर सकते थे। आप कापी लेकर के किसी अधिकारी के पास गए क्या? नहीं गया। नोडल का अधिकारी साफ बोल रहा है, नोडल के अधिकारी ने साफ बोला कि सर ये किसी अधिकारी के पास लेकर के आता तो हम रस्ते निकालते, लेकिन आपने अपनी ईमानदारी से नहीं किया। कुछ कारण तो है, ऐसा नहीं है, कुछ कारण है, चाहे जो कारण रहा हो जो आप खुल करके नहीं बता रहे हो, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ये सारी चीजें मैं पता लगा लूंगा। मैं अपने आदमी लगा दिया हूं और नोडल के अधिकारियों से भी बोला, और मैंने स्टेट डायरेक्टर श्री महिपाल जी को भी ये चीज बोला है, और उस पर बोला है कि देखा, उनको मैंने बोला है कि सर इस केस को देखिएगा। मैंने एक बार दिखाया था ना, कोपा वाले लड़के थे और उनके पास टेड नहीं था, और राहुल देव जी ने उस आईटीआई के ऊपर क्या कार्रवाई किया है, भगवान ही मालिक है। समझ गए ना?
कि उनकी क्या हालत हुई है, डिफ्लेशन के लाइन पे खड़े हो गए। तो फिर जब मैं अपने पे उतरूंगा तो मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, लड़कों के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं। आपको आज एक चीज कह रहा हूं कि अगर लड़का बेईमान है, फीस नहीं देता है, आईटीआई नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता, प्रैक्टिकल करने नहीं आता है, दादागिरी करता है, गुंडागिरी करता है, बदतमीजी करता है, बिल्कुल उसको आईटीआई से निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, मैं हूं। लेकिन अगर लड़का ईमानदारी से फीस जमा कर रहा है, आ रहा है, एग्जाम दे रहा है, तो प्लीज उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। आपके ऊपर केस होगा। अगर वो लड़का कहीं कंज्यूमर फोरम में चला गया ना, तो 2019 से लेकर के 23 तक के बीच की जो चीजों पर कोर्ट केस होगा ना कंज्यूमर फोरम का, करोड़ों रुपए लड़का पाएगा, मैं इतना आपको बता दे रहा हूं। सुधर जाइएगा, बार बार बोल रहा हूं हाथ जोड़ करके, सुधर जाइएगा, मजाक में मत लीजिएगा। आज तक के लिए इतना है। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिए। गर्मी आ गई है, पौधे और चिड़ियों को जो है तो पानी दीजिएगा, और पानी की बचत भी करिएगा, फालतू का पानी मत अड़ाइएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा, और कार अगर चला रहे हैं तो बेल्ट जरूर लगाइएगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। आज का दिन भी आपका अच्छा हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, प्रोप्राइटर आईटीआई टूर्स कंपनी। मैं 2006 से आईटीआई के टूर इक्विपमेंट एंड मशीनरी का सप्लाई करते आ रहा हूँ। मैं पूरी जेन्युइनिटी के साथ हर एक टूल इक्विपमेंट डीजीटी के मानक के अनुसार सप्लाई करता हूँ। टूल इक्विपमेंट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज पे प्रॉपर ध्यान रखता हूँ और प्रॉपर रूप से सप्लाई करता हूँ। मेरी कंपनी की पॉपुलरिटी को देखते हुए दिल्ली के छोटे मोटे जितने सप्लायर हैं सब ने हमारी कंपनी का नाम अपनी कंपनी का पहले या बाद में जोड़ रखा है। तो मेरा ये अनुरोध है, जितने भी आईटीआई के टूल परचेज करने वाले कस्टमर हैं, कृपया आईटीआई टूल्स कंपनी के साथ साथ सुमित पाठक को वेरीफाई करके उसके बाद ही कहीं ऑर्डर दें।